बात बता रहा हूँ भैया, ये क्लोज ये सेरेमनी हो रही है पूरी भरतपुर जो वीक चल रहा है उस वीक में सारी जो ऑर्डर चल रहे हैं वो इनके चल रहे हैं, ये मेरे सामने बैठे हैं, ये मजे ले रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आ गया, मैं हूँ फिलहाल दाबाग होटल में और एक्चुअली अभी टाइम हो रहा है 1:00। वेरी गुड आफ्टरनून, हेलो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी छोटे बड़ों को तहे दिल से राम राम। फिर से एक नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है और ये इस सीरीज का लास्ट ब्लॉग है कि हम ग्लोबल वर्डिंग वीकेंड डे का आखिरी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस चैनल पर जो नए आए हैं, सबसे पहले उनसे कह देता हूँ कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इन्होंने आज ऑर्डर दिया, ये एक्चुअली ऐसे आदमी हैं, ये कहते हैं मेरे को डाला नहीं वीडियो में, डाला नहीं और पूरी वीडियो देखते नहीं है। आप अगर इनका शक्ल देख लो और इससे पहले वाली वीडियो जाके देखना, ये वीडियो के लास्ट में यही है लेकिन वीडियो देखते ही नहीं है। ये इवेंट बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट था। शुरुआत के दो दिन हमारे लेक्चर्स और इनके सेशन रहे और बाकी के जो तीन दिन हैं वो पूरा बर्डिंग पर बेस्ड था और बहुत बड़ी संख्या में पार्टिसिपेशन सीख किया इसमें। ये मेरे लिए सरप्राइजिंग चीज़ थी कि एक समय में हम एक ऐसे इवेंट को कर रहे हैं जिसमें फिजिकली प्रॉक्सिमिटी ज़रूरत नहीं है कि एक ही जगह पर सारे लोग। This event's success goes to all of us who participated, who made it happen. And now I would like to open the mic for anyone who would like to share their experience of the past week. Sabhi ko namaskar. Raj sir, thank you. Thank you, Bolu sir. Main mera experience share karne ke liye yahan khada hua hu. Aur sahi bata raha hu, main itna khush hu ki bas ye kehna chahta hu ki it was fantastic. We had a great fun. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पहले भी मैंने अपने टीचर्स के साथ बहुत बर्डिंग की थी KNB में और बहुत जगह। पहले जो बर्ड्स लिस्टेड थे मेरे पास, उसके अलावा भी मैंने न्यू स्पीशीज लिस्ट की अपने रिकॉर्ड में एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू। थैंक यू राज सर। एंड मुझे भी एज अ फर्स्ट टाइम आया, जब से मैं भरतपुर में रहा हूँ फर्स्ट टाइम पता चला था कि एज अ BNHS WFF हमारे यहाँ पे एज अ रिसर्च वगैरह करती हैं, इतनी सारी स्पीसीज हमारे KNB में हैं। लेकिन हमें पहली बार पता चला और मैं बहुत खुश हूँ कि हमें ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का मौका मिला और हमें अपने भरतपुर के बारे में जानने का मौका मिला। द प्रेजेंस ऑफ क्राउड एट द डे ऑफ क्लोजिंग सेरेमनी इटसेल्फ एक्सप्रेस द सक्सेस ऑफ दिस इवेंट। देख रहा हूँ अभी मेरे मोबाइल पे, कल ईबर्ड इंडिया ने ग्रुप में जितने लोग ग्रुप में जुड़े हैं उन सब ने मैसेज पढ़ा होगा कि हम वर्ल्ड में टॉप पर हैं स्पीसीज में और चेकलिस्ट में वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे हैं। लेकिन कोई भी काम हो ऐसा जिसके आगे उसको समझने के लिए अपन चलते हैं आगे, तभी कुछ मालूम पड़ता है। लेक्चर्स को फाइनलाइज करवाना है, WWF कोऑर्डिनेट करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से करना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट राजस्थान में विष्णु जी और हम गए एक प्लेटफॉर्म पे आके इन्होंने अपने लेक्चर्स दिए। बहुत सी चीज़ें शायद आपको भी अब समझ में आई कि केवलादेव तो इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो वहाँ पे रेंजर है मिस्टर जले सर जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कौन सा जूली फ्लोरा को वहाँ से हटाया, तो लेपर्ड की जो हैबिटेट है उसको बहुत अच्छे तरीके से बचा रहे हैं, मेनटेन किए हुए हैं।
एक इतने बड़े शहर में और लेपर्ड की साइटिंग इतने बढ़िया तरीके से हो रही है, लोगों को मतलब ऐसी चीज़ों को देखने का मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छा काम किया है, उनके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। एक सेकंड फिर से लेना चाहूँगा आप सभी को बधाई देने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, क्योंकि आपके बिना ये इस साल का इवेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता, आपके भाग लेने की वजह से ही हम इस साल इतना सक्सेसफुल हो पाए हैं, तो उसके लिए शुक्रिया। हमें बहुत बहुत खुशी है कि आप इस साल हमारे इवेंट का पार्ट बन पाए, और उम्मीद है कि हम इस साल जितना हम लोग सीखे हैं और उससे आगे भी चल के हम साथ में और ग्रो करेंगे और इस इवेंट को और भी बड़ा बनाएंगे। इन्होंने बच्चों को पढ़ाया और ये जो किताबें इन्होंने दी हैं, ये हमारे पास लाइब्रेरी है जिसमें अच्छी किताबें हैं वाइल्ड लाइफ की, बर्ड्स की रिसर्च के लिए, तो ये बर्ड माइग्रेशन का जो भी काम किया इसमें मेरे ख्याल से 80-90% वर्क जो है इनका वो भरतपुर का ही है, तो अगर किसी को रेफरेंस करना है देखना है तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू इट, दैट का लाइब्रेरी। तो इवेंट हो गया समाप्त और बहुत ही शानदार इवेंट, सबको सर्टिफिकेट बांट दिए, राज साहब ने बहुत ही सबको धन्यवाद दिया तहे दिल से, और सबसे अच्छी बात यह है कि अब की हमने रैंक टॉप पर हैं, अब की बार हम टॉप पर हैं, हमारा इंडिया, हमारा राजस्थान, हमारा भरतपुर, और काफ़ी अच्छी चेकलिस्ट के मामले में सेकेंड नंबर पर, रैंकिंग के मामले में टॉप पर, तो सबसे शानदार इवेंट रहा, पिछली बार से बहुत बढ़िया रहा, और सभी अपने अपने घर अब जा रहे हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, लव यू।